हाय फ्रेंड्स, मैं इसके जाप समो को सादर प्रणाम करता हूं और आज मैं बड़े इत्मीनान से कुछ बातें कहने आया हूं आपको। आपके अंदर की बुझी हुई आग को जलाने आया हूं मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का आग जले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो अंतिम समय में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर की जो ज्वाला है वो आज एक अलग तरह से भड़के, क्योंकि आपको एक सही रास्ते की जरूरत है। ऐ मेरे दोस्त, अभी जो एग्जाम का एक सीजन चल रहा है, अगर 3 से 4 महीने आप अपने आप को संयमित रख पाते हैं तो देखिए आपके सामने कितने मौके हैं। 1,00,000+ वैकेंसी है ग्रुप डी की, 35,000+ वैकेंसी है एनटीपीसी की, जिसका किसी कुछ बच्चों ने पीटी दे रखा है उनको मेंस के लिए लगना चाहिए। जिन लोगों ने अभी पीटी नहीं दिया है उसको पीटी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रुप डी की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो ग्रुप डी की तैयारी अपने आप हो जाती है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एमटीएफ, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल और कमिंग सून में ड्राइवर, एएलपी, ये सारी वैकेंसियां, उसके बाद बिहार सरकार से आने वाली कुछ वैकेंसियां हैं। मैं मानता हूं कि वैकेंसियां कम हैं। मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको नौकरी नहीं होती, क्योंकि मैं बच्चों को देख पा रहा हूं। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं सर, हमारे यहां अभी हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। मैं जब उनका रिजल्ट देखता हूं सर, तो आज जब मैंने देखा तो मैं अचंभित हो गया। तब मैंने उस बच्चे को बुलवाया तो वो बच्चा बोला कि मैं तो सर मात्र 6 महीने से यहां हूं। कोई बोला मैं तो 2 महीने से यहां हूं। तो मैंने पूछा कि क्या आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, तो बोला हां। और आपको जानकर यह अचंभा होगा कि उसका मार्क्स ग्रुप डी के टेस्ट में -2 नंबर था। इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि एनटीपीसी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी तादाद बड़ी कम है मेरे दोस्त। इसलिए अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए हैं तो आपको एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे अंदर वो आग भड़कनी चाहिए, क्योंकि अब अंत समय आ गया है। अब लगभग चावल बन चुका है मेरे दोस्त। 3 सिटी में अगर तुम चावल बनाते हो तो 2 सिटी लग चुकी है। ऐ मेरे दोस्त, 1 सिटी सही से लगा दे अगर तुझे चावल खाना है तो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमको देख के इसी 3 महीना को डिसाइड करना है कि तुमको देख के लोग कहेंगे कि ये लड़का इंडियन रेलवे में, और तब तू सीना चौड़ा करके फक्र से ऐसे खड़ा हो जाएगा और कहेगा हां मैं इंडियन रेलवे में हूं। तेरे मम्मी पापा का वो गर्व से उठा हुआ सीना समाज में बैठकर एक अच्छे प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठना, ये कितने गर्व और कितने सम्मान की बात है। और भाई मेरे, मैं मानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे दुविधाओं को आपने पार किया है। आपके अगर 10 दोस्त होंगे तो 9 दोस्त तो रह गए रास्ते में, आप अकेले यहां तक पहुंचे हो, तो क्यों ना सर अब इसको अपने मंजिल तक हम ले जाएं। कहते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई थक गया है इसका मतलब उसने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है, और जो चढ़ा ही नहीं वो थका ही नहीं। अगर आप थक गए हैं तो आप मंजिल से इतना दूर हैं, बस 2 कदम चलिए और मंजिल पे जाके बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, अभी की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर पाते हैं कीजिए। जितना ज्यादा आपका दिल करता है उतना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सर आपका काम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मानता हूं कि पढ़ना एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको पूरा समाज देखता है और लोग ये कहते हैं कि यही लड़का इंडियन रेलवे में। मैं तो उस पल को महसूस करवाना चाहता हूं आपको, जब लोग आपको देख के ये कहें कि यही लड़का इंडियन रेलवे में। मेरे दोस्त, यही लड़का बिहार पुलिस में है और यही लड़का दरोगा है।
मैं एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मंजिल पर लगभग पहुंच गए, बस दो कदम की दूरी है, क्यों ना मेरे दोस्त साथ मिलकर दो कदम तेजी से ले लिया जाए कि सभी लोग धरे के धरे रह जाएं। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो वो तब तक तेरी निंदा करता है जब तक तेरी विजय नहीं हो जाती। एक बार तेरी विजय हो गई मेरे दोस्त, फिर तेरी निंदा लोग नहीं करेंगे, लोग तुझे ये कहेंगे कि देखो इस बच्चे को, यही बच्चा इंडियन रेलवे। मैं तो उस पल को सोच सोच के गौरवान्वित तेरे तरफ से महसूस होता हूं। मेरे दोस्त आप खूब मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी प्रैक्टिस सेट आता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। हम देखिए सर, हमारी भी बुक्स आती है, अन्य पब्लिकेशन की भी बुक्स आती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाते हो करो, आपका काम हो जाएगा। अभी हमारी ग्रुप डी की भी प्रैक्टिस है, कल से मार्केट में आने लगेगी। तो मेरे दोस्त मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं कि अब तुम सोचोगे कि सर प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, मेरी प्रैक्टिस सेट है, मैं दूंगा, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग लेंगे। हर बात में निगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए मेरे दोस्त। हम बहुत सारी चीजें चलाते हैं, लेकिन सर जो जिसके लिए फायदेमंद है वो करेगा, जिसके लिए जो फायदेमंद नहीं है वो नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, आप हमसे ना पढ़िए। आप हमें पेड कोर्स में 100 रुपया भी मत दीजिए, हम 299 का पढ़ाते हैं, आप मत दीजिए सर, लेकिन आप पढ़ के इस बार अपने मंजिल को पा लीजिए। हम हाथ जोड़ के ये नम्र निवेदन करते हैं। हम बहुत सारी चीजें चलाते हैं, हम भी हमारा टेस्ट भी चलता है, 299 रुपये में बैच भी, सारी चीजें चल रही है। आप हमसे मत पढ़ो, हमें नहीं चाहिए सर आपका पैसा, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहो। मैंने कहा है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सर एनटीपीसी का वीडियो डिलीट हो जाएगा। ए मेरे दोस्त, ग्रुप डी का जिस दिन अंतिम एग्जाम होगा तब तक वीडियो रहेगा, एक एक वीडियो ग्रुप डी के अंतिम एग्जाम के दिन तक रहेगा। आपने कोर्स कभी भी खरीदा, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्या सर वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी, नहीं सर, यूट्यूब से एक भी वीडियो डिलीट नहीं होगी, आपके सेवा में है हम और तब तक रहेंगे जब तक आपको हमारी जरूरत है। जिस दिन आप कह दोगे कि जा बेवफा तेरी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा हंसते हंसते, लेकिन जब तक हमारी जरूरत आपको है मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आप हमें कुछ भी कह लो, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें आपसे मोहब्बत है, हम वो करेंगे। और आप भी हमसे मोहब्बत एक दिन जरूर कीजिएगा जब हम आपके लिए कुछ ना कुछ जुनून और जोश के साथ और पूरी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हमें पता है ईमानदार व्यक्ति की हमेशा कदर होती है, पैसे वाले की कभी कदर नहीं होती। अगर पैसे वाले की कदर होती तो आज विजय माल्या को लोग झुक के सलाम करते, अन्ना हजारे को नहीं। आज लोग अन्ना हजारे को झुककर प्रणाम करते हैं, अब जी करता है कि उन्हें पैर छू के प्रणाम कर लूं। लोग विजय माल्या को प्रणाम नहीं करते। और खाऊंगा तो चला भाते दाल, डायमंड तो मैं खाऊंगा नहीं, और भात दाल तुम लोगों के आशीर्वाद से मिल जाता है, इसलिए मुझे पता है कि अगर प्यार पाना है तो अन्ना हजारे बनना पड़ेगा। किसी भी शर्त पे विजय माल्या बन के सर प्यार नहीं पाया जा सकता है। मेरे दोस्त मैं तुमसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से करता हूं, यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय है, अब इस आग को सुलग जाने दे, भड़क जाने दे इस आग को, लग जाने दे इस आग को, क्योंकि मेरे दोस्त अब अंतिम मौका है तेरे पास, कुछ दिन बचे हैं तेरे लिए, महीने डेढ़ महीने बचे हैं, एक एक दिन को चैलेंज के रूप में ले। और ऐ मेरे दोस्त खूब मन लगा के पढ़, मेरे बैच में एडमिशन ना ले, मैं नहीं कहता तुझे जा कि मेरे बैच में एडमिशन ले, लेकिन पढ़ ले। तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से तुमसे नम्र निवेदन करता हूं, सारी वैकेंसियां तेरे सामने बाहें फैलाकर खड़ी है, लग जा गले किसी के सीने, हो जाएगा तेरा उद्धार। और लोग तुझे देखकर कहेंगे यही लड़का इंडियन रेलवे में है, यही लड़का दरोगा। अगर तू कहलवाना चाहता है और शान से ऐसे खड़े रहेगा तू, और तेरे मम्मी पापा का सर फक्र से ऊंचा रहेगा। ऐ मेरे दोस्त खूब रिवीजन करो, जितना प्रैक्टिस सेट बना पाते हो उतना प्रैक्टिस सेट बनाओ, वही तुम्हारी सफलता की अभी कुंजी है। इसलिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, किसी भी चीज को कमजोर नहीं मानना है, स्टैटिक जीके सब चीज को बराबर तरीके से पढ़ना है, ताकि सर आपका काम हो जाए। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, नमस्कार। लेकिन सर मैं ये जरूर कह के जाऊंगा कि इस आग को देखो, इस आग से सीखो, क्योंकि यही आग है जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।